नदी कितनी अच्छी लग रही है जंगल के बीच में से बहती हुई, खूबसूरत भाई। दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ बंगस। इट इज सो ब्यूटीफुल यार बंगस, यू आर अमेजिंग बट यू आर वेरी टायरिंग। 10 दिन की प्लानिंग के बाद फाइनली आज हम बंगस जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मैं पिछले, जब से मैं कश्मीर आया हूँ, तो मेरी बकेट लिस्ट में ये था कि बंगस वैली जाना है। बहुत नाम सुना है बंगस वैली का, बहुत खूबसूरत सी अनटच सी वैली है। मेरे साथ फैसल है, मेरा एक दोस्त जो सामने अपनी स्कूटीज लेके जा रहा है। मुझसे बेटर राइडर है ये, बेटर ऑफ रोड है, बेटर राइडर। सोच रहा हूँ बंगस वैली स्कूटी लेके जा रहा है, तो ऑफकोर्स ही इज़ बेटर देन मी। और अभी हम फैसल के घर से निकले हैं बंगस वैली तक का रास्ता। आई एम नॉट श्योर कितने किलोमीटर्स है यहाँ से, बिकॉज जैसे हम बंगस रोड पे कट लेंगे इस रोड से, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कितना दूर है यहाँ से बंगस वैली। वी हैव अनदर गाइड विद अस, जाकिर, लेट्स गो। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बिकॉज़ अगर थोड़ा सा भी ख़राब वेदर रहता है तो हम बंगस जाने का प्लान नहीं करते, बिकॉज वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि बारिश का बड़ा सीन, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे रास्ता ख़राब हो जाता है, बिकॉज इट्स प्रॉपर ऑफ रोड जाने के लिए। अभी पीछे एक बोर्ड देखा जिसमें बंगस यहाँ से 38 किलोमीटर्स बता रहा है। प्रोबेबली एक घंटे का रास्ता होना चाहिए, बट सिंस प्रॉपर ऑफ रोड है, पूरा हिली एरिया है, तो आई एम श्योर एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है इस 38 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। वहाँ पे खाने पीने का क्या सिस्टम रहेगा, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट तो किया है, बट आई एम श्योर अगर इतना सारा राइड करेंगे तो आई विल बी वेरी हंग्री, क्योंकि मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है। बाकी फ्यूल अप कराने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी सारा फ्यूल है बाइक में ऑलरेडी मेरे पास, तो दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारा बंगस जाने का प्लान महंगा पड़ता जा रहा है, अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले फैसल को स्कूटी ठीक करवानी थी। स्कूटी ठीक करवाने के बाद उसको याद आया कि इसमें पेट्रोल भी डलवाना है, तो हम इस जगह पे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी पेट्रोल डलवा के सर आए हैं। आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो इसलिए वापस गए सर पेट्रोल डलवाने के लिए। इधर अपना अपना चेहरा दिखा, ये देखो अभी नहीं हमारे माँ। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, वो विल अपडेट यू गाइस। लास्ट जगह जब हम रुके थे तो मैंने अपना जो माइक है उसे डिस्कनेक्ट किया था GoPro से, ताकि मैं बाहर से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूं, तो वही लगाने के लिए मैं यहाँ पर रुके। कुछ और बाइकर्स हैं जो होपफुली सेम बंगस वैली ही जा रहे हैं, तीन और बाइक्स हैं हमारे सामने। तो मेरा जो मेन रीज़न यहाँ पर कैमरा ऑन करने का और रोकने का था, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि जब तक कुछ अच्छा नहीं आएगा तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो मेन रीज़न अभी आपको इस टर्न के बाद दिखा देता हूँ, सामने का जो खूबसूरत सा पहाड़। जुलाई का महीना चल रहा है और अभी भी हमारे को स्नोफॉल दिख रहा है। यहाँ से एक अच्छा सा व्यू दिखेगा आपको, वाह है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। ऊपर वाले ने क्या बनाया है यार, ओवरऑल ने क्या ऊपर, पता कितनी ठंड होगी, बहुत पता है क्यों, बर्फ है, बर्फ है। कश्मीर और आर्मी के एरिया, यू नो आई मीन, जहाँ भी आप देखोगे हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक आर्मी का कैंप मिलेगा। इसलिए पिछला जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था मैंने स्टॉप इसीलिए कर दिया, क्योंकि एक आर्मी का कैंप अचानक से आ गया, तो ठीक है, आई मीन सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है, इट्स बेटर टू नॉट टू शूट कैंप के बीच में। और ये यहाँ से बंगस का एरिया स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, बंगस वैली का ये छोटे छोटे गाँव हैं उसके पहले।
वाह, नदी कितनी अच्छी लग रही है जंगल के बीच में से बहती हुई, खूबसूरत भाई। रुकें क्या? एक तो कश्मीर इतना खूबसूरत है ऑलरेडी, और कुछ पार्ट्स, कुछ एरियाज इतने अच्छे खूबसूरत हैं, जैसे कि बंगस और बंगस का रास्ता, रोड्स बहुत खूबसूरत हैं, उसके अलावा जो रास्ता है वहाँ तक जाने का, दैट इज़ फ्रीकिंग ऑसम। इतना खूबसूरत रास्ता है कि मैं मतलब ऐसे बहुत में बयां नहीं कर सकता, खुद ही देख लो। और एक कर्व्स, भाई साहब, ओ भाई तो पता है मेरा और गायों का ना बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। ओ देख यार कितना अच्छा लग रहा है ये, वो भाई इट्स सो ब्यूटीफुल यार, कसम से ये वर्थ इट है, पूरे एफर्ट्स के वर्थ इट है ये, खूबसूरत भाई साहब। एक सस्पेंस बना रहा हूँ मैं इसके आगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ऐसा लग रहा है मुझे, इसके आगे अलग ही दुनिया होगी इस पहाड़ी को क्रॉस करते ही। रास्ता भाई अब डेंजरस लग रहा है। ओ भाई, ओहो, ऑफ रोड भाई, प्रॉपर ऑफ रोड। ओ भाई नीचे देख, खूबसूरत, हाँ रुकेंगे भाई, रुकेंगे हम। तो अभी हमने एक और आर्मी और पुलिस का नाका क्रॉस किया है, जिसमें हमने दोबारा से एंट्री की है, अपने आधार नंबर्स देके अपना कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट की हैं। बिकॉज बंगस भी ऑलमोस्ट बॉर्डर का एरिया है तो, और काफ़ी रिमोट है, तो इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन आया है कौन गया है सेफ्टी रीजंस के लिए, तो कोऑपरेट करना ज़रूरी होता है। तो सारी डिटेल्स देने के बाद, सब कुछ रजिस्टर कराने के बाद, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है, रास्ते के साथ एकदम रोड के साइड में जो नदी बह रही है तो ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। वाह, इसका जो ब्लू पानी है, वाह। बंगस आई थिंक अब तक मैंने जो भी जगह विजिट करी है कश्मीर में, बंगस उसको टॉप करता है। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, तो ऑलरेडी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ अपनी, बिकॉज इसके रोड्स जो ऑलरेडी जो सीनरी है इसके आसपास उसकी वजह से। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों जो ऑलरेडी बंगस विजिट कर चुके हैं उनसे इस बंगस के बारे में पूछा था, तो देवर लाइक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दे हैव एवर सीन, बंगस वैली। अलर्ट, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बिकॉज मेरा मन कर रहा है कि हर एक पॉइंट को रिकॉर्ड करूँ, हर एक चीज़ आपको दिखाऊँ। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑफ रोड में, तो फैसल जो कि ऑलरेडी मुझसे आगे निकल चुका है इन, so it's quite kind of dangerous for me right now. I'm little bit scared, not I'm not saying I'm scared, बस इतना ही पैश था ऑफ रोड का। दिस इज़ द नाइट मेयर फॉर मी, बिकॉज मेरे को रोड पे ऐसे सैंड पसंद नहीं होता, बिकॉज आई एम सो स्केयर्ड कि उस पर से मेरा बाइक जो है फिसल जाएगी। इट्स बेटर टू बी स्केयर्ड, बिकॉज
जब इंसान थोड़ा सा स्केयर्ड रहता है तो कॉशियस रहता है चीज़ों को लेके। नहीं 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 चढ़ा लूँगा तू बैठा रहे। मतलब कितने आसानी से चढ़ रहे हो। हम भी आसानी से चढ़ेंगे भाई, हम भी आसानी से चढ़ेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बंगस। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू। इट इज़ सो ब्यूटीफुल यार, कितना खूबसूरत है। वी मेड इट। मोस्ट 1:30 इन द आफ्टरनून हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमने अपनी बाइक को ऊपर रोड पे पार्क कर दिया है। पिछले ऑलमोस्ट 15 मिनट से चल रहे हैं कि हम इसके एक एंड पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे है, लेकिन वो एंड अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका एरिया कितना बड़ा है। इस एरिया को एक्चुअली बड़ा बंगस कहते हैं। इसके पीछे दूसरा एरिया है जो छोटा बंगस है। यहाँ पे अगर आप चलना नहीं चाहते, जो लोकल्स हैं, लोकल यहाँ तो रहता तो नहीं कोई भी, बट आसपास के गाँव के लोगों ने कुछ यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है, काइंड ऑफ जिसमें आपको खाने की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा घोड़े की सर्विस देते हैं। अगर आप घोड़े पे राइड करना चाहें, घोड़ा लेके आप पूरे बंगस के एरिया में घूम सकते हैं। जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी, क्योंकि जेन्युइन है। आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और यहाँ तक चीज़ें अवेलेबल करनी। इट लिटरली इज़ ब्यूटीफुल। इट वॉज जो भी स्ट्रगल था रोड पे यहाँ पे पहुँचना, या फिर 2 दिन का जो वेट था मेरा, वो टोटली वर्थ इट था। चलो अभी तो हम घूम रहे हैं, इन्जॉय करते हैं। अगर हमारे पास टाइम होता, अगर हम जल्दी आ जाते तो शायद हम प्लान करते हैं उस पहाड़ी के टॉप पे जाने का, जो कि काफ़ी दूर है, उसके पास दिख रहा है, बट ईजी नहीं रहता। बट हमने प्लान किया था कि अगर हम जल्दी आते तो शायद हम उस पहाड़ी के टॉप पे जाते, तो वहाँ से हम कुछ अच्छी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते थे। बट चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
बंगस यू आर अमेजिंग बट यू आर वेरी टायरिंग. फाइनली ये था हमारा बंगस का दो दिन पहले प्लान ट्रिप जो कि काफ़ी अमेजिंग रहा. और जैसे कि इसने मुझे बताया था साकिर ने कि जब ये पहली बार बंगस गया था तो इट वाज़ लाइक कि कैसी फीलिंग थी भाई. ऐसा फील हो रहा था कि मैं सीधा जन्नत में आ गया. तो लिटरली ऐसा ही सीन हमारे साथ भी था जब मैंने पहला व्यू देखा बंगस का. इट वॉज सो अमेजिंग. तो कुछ चीज़ों का मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप बंगस आ रहे हो, जो कि मैंने नहीं की, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखो. अगर आप बाइक से आ रहे हो तो राइडिंग गियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ रोड है. राइडिंग शूज़ और राइडिंग जैकेट का होना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा सनस्क्रीन इज़ मस्ट बिकॉज सीख रहा है सनस्क्रीन इज़ मस्ट बिकॉज देख सकते हैं आप. और उसके अलावा तीसरी चीज़ खाने का कुछ ज़रूर साथ में लेके आना ताकि आपकी जो बंगस की ट्रिप रहे वो अमेजिंग रहे. बहुत खूबसूरत जगह है, अभी तक टूरिस्ट के लिए नोन नहीं है. बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि बंगस अब तक आए हैं जो कि इस लोकेशन के बारे में जानते हैं. बहुत ही प्यारी है. ऑलराइट, तो यहीं तक था आज का वीडियो. वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बट जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल राइड टू बंगस.